हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 सीबीएसई की साइंस और उसका 9th चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है पहेली और बोझो के साथ, जो कि अपनी छुट्टियों में अलग अलग जगह पे जाते हैं। उनमें से एक ट्रिप था जो वो रिवर गंगा पे जाते हैं जो कि ऋषिकेश में है, फिर वो हिमालयस पे भी जाते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है, और उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के ट्रीज दिखाई देते हैं। जैसे पहाड़ी इलाके में उनको ओक्स, पाइन्स, डियोधर दिखाई देते हैं, वो काफी अलग होते हैं एज कम्पेयर टू वो वाले पेड़ जो प्लेन्स पे पाए जाते हैं, उनके घर के आसपास पाए जाते हैं। वैसे ही वो एक और ट्रिप पे जाते हैं राजस्थान, और वहां वो देखते हैं कैमल्स को जो हॉट डेजर्ट में मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो वो अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कैक्टस को देखते हैं। फाइनली उनका एक ट्रिप होता है जहाँ पे वो पुरी जाते हैं और विजिट करते हैं एक सी बीच पे जहाँ पे अलग अलग तरीके के ट्रीज होते हैं, जैसे कि कैजरीना। अब जब वो सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग ट्रिप से इकट्ठी करते हैं तो उनको ये पता लगता है कि हर जगह का अपना मौसम होता है। बेशक वो ठंडी हो, गर्म हो, ड्राई हो, ह्यूमिड हो, वहां पे अलग अलग तरीके के लिविंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचने की कोशिश की कि क्या अर्थ पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग क्रिएचर्स ना पाए जाते हो। तो भोजो ने सोचा कि शायद वो जगह मेरे घर के अंदर हो, तो उसने फटाफट अपनी अलमारी खोली। पर जब उसने अलमारी खोली तो उसके अंदर भी छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े उसको दिखाई दे गए, जैसे छोटा स्पाइडर दिखाई दे गया। फिर उनको याद आया कि किसी ने बताया था कि इवन वॉल्केनो की ओपनिंग पे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। मतलब हर जगह लाइफ पॉसिबल होती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। अब एक और जो बात सामने आई वो ये पता लगा कि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट थे जहां जहां बोझो और पहेली ट्रिप पे गए थे। जैसे डेजर्ट के अंदर कैमल्स थे, माउंटेन एरिया के अंदर गोट्स या याक थे, पुरी के अंदर कुछ और क्रीचर्स थे जो बीच पे पाए जाते हैं जैसे क्रैब्स हो गए, वैरायटी थी फिश की वहां पर जो मछुआरे पकड़ रहे थे, फिशरमैन पकड़ रहे थे। इसके अलावा उनको कुछ छोटे छोटे क्रीचर्स जैसे एंट्स वो हर जगह पे मौजूद मिले। तो ये अलग अलग तरीके के जैसे एनिमल्स उन्होंने देखे, वैसे ही उनको अलग अलग तरीके के प्लांट्स भी दिखाई दिए अलग अलग रीजन्स के बारे में। अब ये अलग अलग रीजन्स के बारे में क्या बताते हैं कि हमें अलग अलग वेजिटेशन मिलती है। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जो मैंने आपके लिए भर दिया है कि फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें या क्रीचर्स पाए जाते हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, माउंटेन्स के अंदर, डेजर्ट के अंदर, सी के अंदर या किसी और जगह पे। अब जैसे फॉरेस्ट के अंदर मैंने लिखा है इंसेक्ट्स, फॉक्स, टाइगर, लायंस, एलिफेंट्स। माउंटेन्स के अंदर गोरिल्ला, स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट है। डेजर्ट के अंदर कैमल, कैक्टस, स्कॉर्पियन, बबूल। सी के अंदर फिश, क्रैब, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, और वैसे आमतौर पे अगर हम देखें तो डॉग, हेन, पिजन, काउ आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो इंटरेस्टिंग जगहें हैं जहां पर सब लोगों ने ट्रेवल किया है, देखा है अलग अलग तरीके के क्रीचर्स को, इनको हम क्या बोलते हैं, कैसी जगह पे रहते हैं। तो ये लेकर आता है हमें नेक्स्ट टॉपिक पे, हैबिटेट एंड अडेप्टेशन को। तो अगर आप ये टेबल ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा सी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेलाइन वाटर से सराउंडेड होते हैं। सेलाइन वाटर मतलब उनका जो पानी है वो थोड़ा नमक वाला होता है और उस पानी के अंदर ही डिजोल्व होती है एयर, और ये जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है ये उसी से सांस लेते हैं। अब बात करते हैं डेजर्ट की। डेजर्ट में खास बात क्या है कि वहाँ दिन के टाइम पे बहुत गर्मी होती है, रात के टाइम पे ठंडा पड़ जाता है। जो एनिमल्स या प्लांट्स डेजर्ट पे एग्जिस्ट करते हैं वो उसके लैंड पे, सॉइल पे एग्जिस्ट करते हैं और हवा से ही ब्रीथ करते हैं, अनलाइक जो पानी में रहते हैं जो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। वैसे ही जो सी और डेजर्ट के अंदर रहते हैं उनकी अलग अलग सराउंडिंग है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिलते हैं, आपने टेबल देखा ही है। अब बात करते हैं जो डेजर्ट में पाया जाने वाला एनिमल है कैमल, आपको पता है उसकी बॉडी एक अलग तरीके की होती है। वो डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है क्योंकि उसकी लंबी लंबी लेग्स होती है जो हीट निकलती है ना सैंड से उससे दूर रखती है। जो यूरिन है जो वो एक्सक्रीट करता है अपनी बॉडी से वेस्ट, वो भी बहुत थोड़ी अमाउंट में एक्सक्रीट करता है, ड्राई होता है ताकि वाटर ज्यादा लूज ना हो। इसके अलावा उसको पसीना भी नहीं आता। अब ये कैमल्स जो है ये ज्यादा पानी लूज नहीं करते और ज्यादा देर तक पानी के बिना सर्वाइव भी कर लेते हैं। ऐसे ही पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फिश, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अलग अलग तरीके की फिश मिलती है, लेकिन एक बात कॉमन होती है कि इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइन होती है। आपने पिछली क्लास में मेरे साथ पढ़ा था, स्ट्रीम लाइन बॉडी होने की वजह से वो आसानी से बिना फ्रिक्शन कॉज किए पानी में जा सकती है। इनके स्लिपरी स्केल्स होते हैं बॉडी के ऊपर, निशान होते हैं आप देख सकते हो। ये स्केल्स जो है वो प्रोटेक्ट भी करते हैं फिश को और पानी में मूव करने में भी हेल्प करते हैं। फिश के फ्लैट फिन्स होते हैं, एक टेल होती है जो उसको डायरेक्शन देती है कि किस साइड को जाना है, और बॉडी में बैलेंस भी मेंटेन करती है जो पानी के अंदर बॉडी होती है। गिल्स का फंक्शन सबको पता है, वो सांस लेने में मदद करती है। ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होती है पानी के अंदर उससे सांस लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। अब हम ये देखते हैं कि जो फिश है गिल्स की मदद से पानी में रहती है। फीचर्स हमने देख लिए कैमल के कैसे हैं जो उसके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं डेजर्ट के अंदर। ये दो एग्जांपल ये बताती है कि सिर्फ ये वैरायटी नहीं है,
इसके अलावा अलग अलग जगह पे अलग अलग वेराइटी आपको मिलती है, और उन प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं अपनी सराउंडिंग में नेचुरली एडजस्ट करने में। तो ये जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं या कुछ सर्टेन हैबिट्स होती हैं जो उनको नेचुरली सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसे हम बोलते हैं एडाप्टेशन। जैसे आप किसी के घर पे जाते हो, नए होते हो, तो आप अडेप्ट कर लेते हो ना उनकी आदतों के हिसाब से, अपने आप को चेंज कर लेते हो, मॉडिफाई कर लेते हो। अपने घर में तो अपना राज चलता है, लेकिन जब आप किसी और के घर में जाते हो तो उनके टाइम टेबल के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करने में और उस एनवायरमेंट में रहने के लिए। अब आपको पता है इसीलिए मछली जो है पानी से बाहर नहीं रह सकती और जो कैमल है वो पानी के अंदर नहीं रह सकता। अब वो प्लेस जहां पर ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ड्वेल करते हैं, ड्वेल का मतलब रहना, उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। तो डेफिनेशन ये है, हैबिटेट मींस अ ड्वेलिंग प्लेस, एक घर। हैबिटेट जो है वो क्रीचर्स को, क्रीचर्स की बोल रही हूँ, एनिमल्स के लिए भी वही बात है और लिविंग बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी वही सेम लॉजिक अप्लाई किया जाता है। तो जो हैबिटेट है वो प्रोवाइड करता है फूड, खाना, पानी, वाटर, एयर, शेल्टर, रहने की जगह और कुछ जरूरतें पूरी करता है ऑर्गेनिज्म की। अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स सेम हैबिटेट में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं। अब लैंड भी अलग अलग तरीके का होता है, फॉरेस्ट एरिया हो सकता है, ग्रास लैंड हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, कोस्टल एरिया हो सकता है, माउंटेनियस रीजन हो सकता है। वैसे ही हैबिटेट हो सकता है प्लांट्स और एनिमल्स का एक्वेटिक, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ये कुछ एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जांपल्स हैं। जो वेरिएशन है वो आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में दिखाई देती है, यानी कि जो लिविंग कंडीशन फॉरेस्ट की है वैसे ही ग्रास लैंड की होगी, वैसे ही डेजर्ट की होगी, उनमें अंदर ही अंदर डिफरेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो अपने हैबिटेट में रहते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है, और जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं जैसे रॉक्स हो गए, सॉइल, एयर, वाटर, इनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं एनवायरनमेंट के। तो बायोटिक और एबायोटिक मिलके लाइफ पॉसिबल करते हैं। एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन होता है जब आप किसी नई जगह पे जाते हो, जैसे पहाड़ों पे चले जाते हो, थोड़ी देर के लिए आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ जाती है या फिजिकल एक्टिविटी करते हो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को। तो इसे हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, जिसमें इंसान की बॉडी जो है वो अडेप्ट कर लेती है, और ये थाउजेंड्स ऑफ सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। अब बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, आप मूंग दाल या चना दाल ले लो, आपने घर पे उनको डेफिनेटली जर्मिनेट किया होगा, पानी में सोक किया होगा, जिससे वो स्प्राउट करती है, वो उग जाती है। तो मान लीजिए आपने सूखी मूंग दाल ले ली, उसके 20 टू 30 सीड्स जो हैं आप अलग कर दीजिए, बाकियों को पानी के अंदर सोक कर दीजिए एक दिन के अंदर। अब जो सोक्ड पार्ट है उसके चार हिस्से करने हैं, जो पानी में डला हुआ है, एक हिस्से को वैसे ही कम्प्लीटली पानी के अंदर सबमर्ज रहने दो, 3 से 4 दिन के लिए डिस्टर्ब मत करो। दूसरे पार्ट को जो सोक सीड्स हैं उसको सनी रूम के अंदर रख दो, तीसरे वाले को डार्क एरिया के अंदर कपबोर्ड के अंदर रख दो, और चौथे वाले को फ्रिज के अंदर रख दो, ठंडे एरिया में रख दो। आए दिन उसको रिंस करके, साफ करके, पानी चेंज करते रहो इनका। अब कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि ये जो पांच कंडीशंस थी इनमें यूनिफॉर्म जर्मिनेशन नहीं हुई, किसी में स्लो हुई, किसी में हुई नहीं, किसी के अंदर बहुत ही कम हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एबायोटिक फैक्टर्स है, एयर, वाटर, लाइट, हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए। अगर लाइट नहीं है तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, हीट नहीं है तो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ज्यादा पानी है तो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इनका सही मात्रा में होना, प्रोपोर्शन में होना बहुत जरूरी है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कई बार ऐसा होता है जब ये नहीं पाए जाते तो जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, अदरवाइज स्पीशीज अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अब ये जो अडेप्टेशन है जिसमें आप चेंज करते हो, अपने आप को एडजस्ट करते हो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता, क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं किसी एरिया के वो भी स्लोली स्लोली चेंज करते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं। जो अडेप्ट कर लेते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, जो अडेप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करना पड़ता है अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स के हिसाब से, इसी वजह से उनकी लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अब बात करते हैं अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। जानवर, प्लांट्स अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनके अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में जो लैंड पे होते हैं, जैसे डेजर्ट। अभी हमने पढ़ा था कैमल के बारे में, उसके अलावा डेजर्ट में पाए जाते हैं रैट्स, स्नेक्स, पर इनकी तो लंबी टांगे होती नहीं जैसे कैमल की होती है, तो फिर ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दिन के टाइम में ये धरती के नीचे बरोज में, मतलब छोटे छोटे होल्स बना के नीचे रहते हैं धरती के, और रात के टाइम पे जब ठंडा हो जाता है तब ये बाहर निकल कर आ जाते हैं। वैसे ही आपको एक एक्टिविटी दिया करने के लिए कि आप पॉलिथीन बैग लो, एक कैक्टस के प्लांट को ऐसे करके ढक दो पॉलिथीन के साथ, और एक नॉर्मल प्लांट का एक हिस्सा पॉलिथीन के साथ ढक दो। कुछ दिन के बाद आप देखोगे जो कैक्टस का प्लांट है उसके अंदर वाले हिस्से पे पॉलिथीन के बहुत कम पानी इकट्ठा हुआ होगा,
लेकिन जो नॉर्मल प्लांट है उसमें बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ होगा। कहने का मतलब ये, जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वो बाहर पानी छोड़ते हैं, लेकिन जो कैक्टस है उसकी जो लीव्स हैं वो तो होती नहीं, स्टेम जो है उसके ऊपर थॉर्न्स होते हैं और वो वैक्सी एक कोटिंग होती है, इसकी वजह से पानी वो लूज ना करें ज्यादा और सर्वाइव कर जाएं। जो पानी लूज किया जाता है लीव्स के द्वारा उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। कैक्टस के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये फोटोसिंथेसिस जो होती है जनरली प्लांट्स की लीव्स में होती है, कैक्टस के केस में वो स्टेम्स के अंदर होती है। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये स्टेम्स हैं जिनके ऊपर मोटी वैक्स की लेयर पड़ी होती है ताकि पानी जो है वो बाहर ना निकले। और जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत डीप होती है ताकि नीचे तक जाके वो पानी एब्जॉर्ब कर सके। अब बात करते हैं माउंटेन रीजन के बारे में। अब जो हैबिटेट है माउंटेन रीजन का, ठंडा भी होता है, विंडी भी होता है, कुछ एरियाज में स्नोफॉल भी होती है, और इसमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। मान लीजिए आप कभी माउंटेनियस रीजन पे गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां के जो ट्रीज हैं वो ऐसे करके होते हैं, कोनिकल शेप में स्लोपिंग ब्रांचेस होती है उनकी, ताकि अगर उनके ऊपर स्नो पड़े तो वो नीचे की तरफ को चली जाए। नीडल लाइक ना उनकी लीव्स होती है, पतली पतली लीव्स होती है, बारिश हो स्नो फॉलो आसानी से नीचे गिर जाए। अब जो ट्रीज है उनकी भी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है जैसे जैसे आप माउंटेनियस रीजन में ऊपर की तरफ को जाते हो, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। वैसे ही एनिमल्स जो है वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर एक मोटी चमड़ी होती है, या तो उनकी स्किन ही मोटी होती है, उसके ऊपर फर होती है जो उनको ठंड से बचाती है। जैसे आप देख सकते हैं याक के लंबे लंबे बाल होते हैं जो उसको वार्म्थ देते हैं। जो स्नो लेपर्ड होता है उसके ऊपर थिक फर होती है उसकी बॉडी के ऊपर, और उसकी फीट और टोज के ऊपर भी मोटी फर होती है जो उसके फीट को प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से जब वो स्नो पे वॉक करता है। जो माउंटेन गोट होती है उसके स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं ऐसे करके, ताकि वो रॉकी स्लोप्स के ऊपर ऐसे करके चढ़ के घास खा सके। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया माउंटेन रीजंस में जैसे जैसे आप चेंज करते हो अपनी लोकेशन, ऊपर जाते हो, अलग अलग तरीके की वेजिटेशन मिलती है। अब बात करते हैं ग्रासलैंड की, जहाँ घास होता है। आपको ग्रासलैंड के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर लायन जो है आसानी से मिल जाएगा, जिसको बोला जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, जो ज्यादातर हंट करता है दूसरे एनिमल्स को, वो कार्निवोर्स होता है, जैसे डियर का एग्जाम्पल ले लो। अब ये जो लायन है ये लाइट ब्राउन कलर का होता है, इसकी आंखें बिल्कुल सामने होती है टारगेट पे, और अगर ये चाहे तो अपने आप को घास के पीछे छुपा भी सकता है क्योंकि सेम कलर होता है। अब लायन के ना लंबे लंबे क्लॉज होते हैं फ्रंट लेग्स के अंदर, जो अंदर की तरफ को चले जाते हैं टोज के, और जब ये झपट्टा मारता है अपने प्रे के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं जिस एनिमल को वो खाना चाहता है, तो फ्रंट पे आईज होने का फोकस ये है कि एग्जैक्ट लोकेशन उसे पता चल जाती है प्रे की, और उसके बाद प्रे नहीं बचता। अगर हम प्रे की बात करें जो कि इस केस में डियर था, वो आपको फॉरेस्ट में भी मिल जाएगा, ग्रासलैंड में भी मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं डियर के, क्यों होते हैं स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसको हार्ड ग्रास की जो स्टेम है वो चबाने में आसानी हो, जो फॉरेस्ट में मिलती है। अब जो डियर है उसकी आंखें ना सीधी नहीं होती, थोड़ा एंगल पे होती है ताकि वो सारी डायरेक्शंस में देख सके कि मेरा जो शिकार करने वाला है वो कहाँ पे है। उसे पता होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, प्रीडेटर वो होता है एनिमल जो उसे खाने वाला है, उस पर अटैक करने वाला है। एक तो लंबे लंबे कान होते हैं जो उसे बता देते हैं कि भाई वो आ रहा है, उसकी आवाज आ रही है, भाग ले यहां से, और एक उसकी आंखें ऐसी होती हैं साइड्स पे जो चारों डायरेक्शंस में डेंजर को माप लेती है। जो डियर है वो बहुत स्पीड से दौड़ता है जब प्रीडेटर उस पर अटैक करता है। तो ये कुछ फीचर्स थे एनिमल्स के, जैसे डियर हो गया, लायन हो गया, जो अपने आप को अडैप्ट कर लेते हैं ताकि ऐसे एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सके। वैसे ही एक्वेटिक हैबिटेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाते हैं ओशंस, बड़े बड़े समुद्र जिसमें एनिमल्स मिल जाते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी वाली फिश मिल जाती है, स्क्विड्स मिल जाते हैं, ऑक्टोपस मिल जाते हैं। पर ये जो एनिमल्स हैं इनकी ऐसे स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं ना होती, तो ये पानी के निचले हिस्से में रहते हैं, और वहीं से अगर कोई पास में क्रीचर आ रहा होता है उसी पे अटैक करके खा लेते हैं। इन एनिमल्स के भी गिल्स होते हैं और ये डिसॉल्वड ऑक्सीजन ले लेते हैं पानी के अंदर से और सर्वाइव करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो डॉल्फिन्स हैं, जो वेल्स हैं, उनके गिल्स नहीं होते, याद रखना, वो अपने नॉस्ट्रिल्स या ब्लो होल से सांस लेती हैं बार बार सरफेस पे आके। ऐसा नहीं है हर मिनट आती है, ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकती है एक बार सांस लेके, लेकिन आप ये कह सकते हो उनको सांस लेने के लिए हवा से सांस लेना पड़ता है और सरफेस पे आना पड़ता है। अगर हम बात करें पॉन्ड्स की और लेक्स की, तो आपने वहां पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखे होंगे, इनकी जो रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, वो भी अलग टाइप की होती है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल नीचे, जो पानी के नीचे सॉइल होती है ना उसके अंदर फिक्स्ड होती है, और एक लंबी सी पतली सी स्टेम निकल रही होती है। जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो बेसिकली न्यूट्रिशन लेती हैं, पानी लेती हैं सॉइल से, लेकिन ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं इनकी जो रूट्स हैं उनका साइज छोटा होता है, और उनका मेन काम ये होता है कि जो प्लांट है वो अपनी पोजिशन पे फंसा रहे, इंटैक्ट रहे। इवन जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो कुछ तो पानी के बिल्कुल नीचे सबमर्ज होते हैं, ऊपर सिर्फ आपको फूल या सरफेस पे थोड़ी पत्तियां दिखाई देती हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं आप देख सकते हो रिबन जितनी पतली होती है,
ताकि उसके अंदर से पानी इधर उधर जा सके उनको डैमेज किए बिना। अगर मोटी लीव होगी तो पानी कैसे क्रॉस करेगा, तो पतली नीडल जैसी लीव्स होती है। फ्रॉग्स भी पॉन्ड्स के अंदर रहते हैं, जंप करते हैं पानी से बाहर भी अंदर भी, तो ये जो है पानी के अंदर भी सर्वाइव कर लेते हैं और पानी के बाहर भी सर्वाइव कर लेते हैं, लीप करते हैं। हम कहते हैं जंप नहीं, लीप इज द वर्ड कि अपने प्रे को कैच करने के लिए ये लीप करते हैं। इनके जो फीट है वो भी वेब्ड होते हैं जैसे डक्स के होते हैं, ताकि आसानी से ये पानी के अंदर स्विम कर सके। अब हमने काफी हद तक अलग अलग हैबिटेट्स में रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। हम अलग अलग हैबिटेट्स पढ़े, हमने अलग अलग प्लांट्स पढ़े, एनिमल्स पढ़े, पर क्या आप सोच सकते हो कि क्या डेफिनेशन होगी लिविंग बींग्स की? क्या लिविंग बींग्स वो होती हैं जो चल सकती हैं? अगर उस हिसाब से देखो तो जो कार्स हैं वो भी लिविंग होनी चाहिए। क्या लिविंग बींग्स वो होते हैं जो सिर्फ रिस्पायर कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, या कोई और डेफिनेशन है? तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो ग्रो करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं। इसका मतलब एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है, ऐसा नहीं होता। हम सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जो लिविंग बींग्स के अंदर होते हैं। सबसे पहला, ऑल लिविंग बींग्स को खाने की जरूरत होती है। ये मानना पड़ेगा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, पर खाने की जरूरत तो होती है ना। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। अब खाना क्यों चाहिए होता है ऑर्गेनिजम्स को? ताकि उनको एनर्जी मिल सके बड़ा होने के लिए, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर सके। दूसरी चीज, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे अंडा है, अंडे में से छोटा सा एक चिक निकलेगा और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा, हेन के अंदर या कॉक के अंदर ग्रोथ होती है, यंग वंस पैदा होते हैं, उसके बाद वो भी ग्रोथ दिखाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो ग्रोथ दिखाते हैं। ये चीज कॉमन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पायर भी करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और सांस बाहर छोड़ते हैं, ये तो ब्रीदिंग हो गई। लेकिन जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो खाने को एनर्जी के अंदर बदल देती है, जिसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जब हम सांस लेते हैं और हम बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। काउस, बफलोज, डॉग्स, कैट्स ह्यूमन बींग्स के जैसे ही सांस लेते हैं। इवन आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स की ब्रीदिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है, कुछ की स्लो होती है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो एक कॉमन फैक्टर है जो सब लिविंग बींग्स में एग्जिस्ट करता है। रेस्पिरेशन के थ्रू ही बॉडी की वो एनर्जी मिलती है खाने से। अब जो एनिमल्स है उनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज रेस्पिरेशन के जरिए हो सकता है, नॉस्ट्रल्स के जरिए, लेकिन अर्थवर्म जो है उनकी जो बॉडी है या स्किन है उसी के जरिए रेस्पिरेशन होती है। फिश की गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन होती है। जो प्लांट्स हैं वो पत्तों के जरिए रिस्पायर करते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो कम लेते हैं एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन जो वो रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। मतलब फोटोसिंथेसिस जब होती है तब भी वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, सांस लेने के लिए कम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन खाना बनाते हुए जो ऑक्सीजन देते हैं वो ज्यादा देते हैं। और हम ये देख चुके हैं एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होती है और प्लांट्स के अंदर भी। एक और चीज है जो लिविंग बींग्स में कॉमन है, वो है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। आपको ब्राइट लाइट पड़ रही है आपकी आंखों पे, आंखें बंद हो जाएंगी, आपको खतरा दिखाई दे रहा है, आप एकदम से अपने आप को पीछे कर लोगे। तो ये जो चेंजेस होती है सराउंडिंग के अंदर जो हमें रिएक्ट करने पे मजबूर करती है उसे हम बोलते हैं स्टिम्युलाई। हमारा जो रिएक्शन होता है, जैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे हम स्टिम्युलाई बोलते हैं। जल्दी भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आराम से भी कर सकते हैं। किस तरीके से, जब आप किचन की लाइट ऑन करते हो कॉकरोच जो है फटाफट छुप जाते हैं, जब लाइट ऑफ होती है फिर से वापस आ जाते हैं। कैसे, जब आप टच मी नॉट या उसे हम बोलते हैं मिमोसा को टच करते हो वो अपने पत्ते बंद कर देता है। ये उसका रिस्पॉन्ड करने का तरीका है कि किस तरीके से वो बंद कर देता है। कैसे जो प्लांट है वो सीधा लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है अपराइट, ये भी एक रिस्पॉन्ड करने का तरीका है। उसके अलावा एक और चीज है कि जो लिविंग बींग्स है वो एक्सक्रीट करते हैं कुछ चीजें, वेस्ट जो है अपनी बॉडी से वो बाहर निकालते हैं। हो सकता है वो वेस्ट को पसीने के जरिए से बाहर निकाले, या कुछ लिक्विड्स की फॉर्म में या यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करें। प्लांट्स जो है वो भी एक्सक्रीट कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और उनके जो एक्सक्रीशंस हैं वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। आपने देखा होगा जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अंडे देते हैं घोंसले के अंदर। तो मतलब एक और कॉमन फीचर है कि जो एनिमल्स हैं अपने जैसे और एनिमल्स लाने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक कॉमन फीचर है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग क्रीचर्स के अंदर। अपनी जो जाति है उसे चलता रखने के लिए रिप्रोड्यूस किया जाता है। कुछ अंडे पैदा करते हैं, कुछ सीधा अपने जैसों को जन्म देते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, और जो प्लांट्स हैं वो सीड्स के जरिए भी बड़े हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, या कुछ स्टेम अगर लगा दो रोज की तो भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जर्मिनेशन के जरिए भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जैसा एक और पैदा कर देते हैं। ये एक और फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का।
तो अभी तक हम ये नहीं कह पाए कि ये कॉमन चीजें हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और अगर ये होगी तभी कोई चीज लिविंग हो पाएगी। हाँ, पर कुछ कॉमन चीजें हम देख चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको खाना चाहिए होता है, रिस्पायर करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, बड़े होते हैं, डाई करते हैं, मरते हैं। लेकिन इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी तो हो सकते हैं, जैसे कार है, बाइसिकल है, वो मूव करता है, क्लाउड जो है वो बड़ा हो जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि क्योंकि उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो भी लिविंग है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये टाइप टू टाइप चेंज होता है। अब जो बीज है वो पड़ा हुआ है, क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग कैसे कंसिडर करोगे? क्योंकि जैसे ही आप उसको मिट्टी में डाल दोगे वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब कौन कहे कि यार ये तो पहले नॉन लिविंग था, अब लिविंग में बदल गया। इसीलिए जब आप बोरी के अंदर हाथ डालते हो, सैक ऑफ वीट के अंदर, तो आपको गर्म लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर करना थोड़ा मुश्किल है कि अगर एक कैरेक्टरिस्टिक लिविंग क्रीचर का है तो वो लिविंग हो जाएगा। पर हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली लाइफ इज ब्यूटिफुल। अपने आसपास नजर घुमा के देखो, बहुत वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और सब एक से एक बढ़िया है। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पर अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।